बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है तुम्हारी लाडली को। अगर वहां से किसी ने आना होता ना तो अब तक आ चुका होता, और वो वहां जैसा सरफिरा इंसान तो कभी नहीं आएगा वरीशा को लेने। और वो तुम्हारी बिला वजह की धमकी वो भी बेकार गई। अब मुझे लगता है कि इस घर को चलाने के लिए ना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों हाथों से दौलत समेटने की तुम्हारी चाल तो नाकाम हो गई। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर सकती हो। वैसे वरीशा ये बात कह रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हो सकता है वहां आज उसे लेने आ जाए। तुम्हारी कम अकली पर ना मुझे हैरत हो रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने ये शर्त क्यों रखी है, क्योंकि वहाज उसे कभी यहां लेने नहीं आएगा और ना ही उसे माफी मांगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरीशा यहां रहना क्यों चाहती है इस कबाड़ खाने में। महमूद, इसलिए कि वो हमसे प्यार करती है, वो हमारे साथ रहना चाहती है महमूद, और वहां उसको उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये कि वहाज और भाभी उसको कभी वहां नहीं रहने देंगे। तुम कुछ भी करो, उससे बात करो, उसे राजी करो, उसे मनाओ। महमूद, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि वरीशा किसी की बात नहीं मानती, और शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी और मेरी भी नहीं सुनती।